connected. दोस्तों स्वागत है आप लोगों को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मिनी डीजे सेटअप पिकअप गाड़ी पर लोड करने वाले हैं और यह मिनी डीजे सेटअप काफी बढ़िया होने वाला है दोस्तों। और इस मिनी डीजे सेटअप के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। और अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पास देख सकते हैं कि चार जन मिलकर पिकअप पर डीजे बॉक्स को लोड कर रहे हैं और इसी पिकअप गाड़ी पर हम लोग मिनी डीजे सेटअप तैयार करने वाले हैं दोस्तों। और इस गाड़ी में हम लोग पहले ही से 7 KV का जनरेटर लोड किए हुए थे और ये बॉक्स दोस्तों पियानो का ये बॉक्स है और इसमें 400 वाट का 2 स्पीकर डाला हुआ है दोस्तों। और ऐसा ही पियानो का 2 बॉक्स लोड करेंगे इस पिकअप गाड़ी पर। तो चलिए पहले इस गाड़ी पर हम लोग बॉक्स लोडिंग कर लेते हैं। पिकअप गाड़ी पर 2 बॉक्स तो लोड हो चुका है और यहाँ पास ये दोस्तों 3रा बॉक्स लोडिंग हो रहा है और ये सेम बॉक्स दोस्तों है पियानो का, ये भी बॉक्स दोस्तों सेम बॉक्स है। तो चलिए पहले इस बॉक्स को भी पिकअप गाड़ी पर लोड कर लेते हैं। इस गाड़ी पर दोस्तों 3 बॉक्स लोड हो चुका है दोस्तों। 1 JBL का बॉक्स है दोस्तों और 2 पियानो का बॉक्स है और दोनों पियानो का बॉक्स दोस्तों 800-800 वाट का है। इस गाड़ी पर दोस्तों अभी हम लोग 2 बॉक्स और लोडिंग करेंगे जो कि अहूजा का बॉक्स है और वो दोनों बॉक्स 400 वाट का है दोस्तों। और आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि अहूजा का 400 वाट का बॉक्स भी गाड़ी पर लोड हो रहा है और ये भी अहूजा का बॉक्स काफी बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को लोड कर लेते हैं गाड़ी पर। गाड़ी पर तो सारा बॉक्स लोड हो चुका है, अब हम लोग देख सकते हैं गाड़ी पर बेल्ट बांध रहे हैं और इस सेटअप में दोस्तों टोटल हम लोग 5 बॉक्स लोड किए हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि गाड़ी में बेल्ट कैसे बांधा जाता है। तो ऊपर में देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर नीतीश चढ़कर बेल्ट बांध रहा है और एक इस साइड से लड़का बेल्ट को पकड़े हुए है। तो चलिए बेल्ट को भी बांध लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी पर तो सारा बॉक्स बंधा चुका है बेल्ट के माध्यम से, अब आप लोग देख सकते हैं मिनी डीजे सेटअप का लुक। अब दोस्तों इस डीजे सेटअप पर हम लोग 2 हॉर्न बांधेंगे और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि हॉर्न बंधा रहा है। तो दोस्तों पिकअप गाड़ी पर तो बॉक्स और हॉर्न बंधा चुका है, अब हम लोग पूरा मशीन इस पर लादेंगे जो इस मशीन से सेटअप चलने वाला है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि 1000 वाट का एम्पलीफायर को हम लोग पिकअप गाड़ी पर लोड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एम्पलीफायर को लोड कर लेते हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों गाड़ी पर हमने 1000 वाट का एम्पलीफायर लोड किया, 700 वाट का एम्पलीफायर लोड किया, 1200 वाट का एम्पलीफायर लोड किया है। तो एम्पलीफायर का कनेक्शन कर लेते हैं और एम्पलीफायर को बांध लेते हैं। तो दोस्तों जब तक इधर एम्पलीफायर का कनेक्शन होता है, तब तक आप लोगों को मैं बॉक्स का कनेक्शन दिखा देता हूं। और आप लोग इधर में देख सकते हैं कि बॉक्स का कनेक्शन हो रहा है और पीछे पारा लाइट भी बांधा जा रहा है। तो चलिए हम लोग पहले बॉक्स का कनेक्शन कर लेते हैं। तो बॉक्स का कनेक्शन तो हो रहा है, तब तक हम लोग जनरेटर में डीजल डाल लेते हैं। और आप लोग इधर देख सकते हैं कि गैलन में डीजल आ चुका है। अब हम लोग इस डीजल को जनरेटर में डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा मिनी डीजे सेटअप लोड हो चुका है, लाइट उट सारा बांध चुके हैं, अब कनेक्शन भी हो चुका है। अब हम आप लोगों को ये डीजे सेटअप चालू कर दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज हो चुका है, यहाँ पर नीतीश भी सारा चीज कर लिया है, मिक्सर का कनेक्शन खाली कर रहा है। और आप लोग इधर में देख सकते हैं जनरेटर चालू हो चुका है। आप लोगों को हम साउंड टेस्टिंग सुनाते हैं यह डीजे सेटअप का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिले।